हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में। इन ट्रेपेजियम ABCD सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट DC। तो देखिए, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया है आपको ABCD, जिसमें सेगमेंट ए बी ये क्या है, पैरेलल है किसे, सेगमेंट DC को। उसके बाद सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AD। तो देखिए, यह है सेगमेंट BD विच इज परपेंडिकुलर, किसे परपेंडिकुलर है, सेगमेंट AD को। उसके बाद देखिए, सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। सो सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर, देखिए 90 का एंगल यहाँ पे है और ये परपेंडिकुलर किसे, सेगमेंट BC को। देन आपको दिया है AD इज इक्वल टू 15, BC इज इक्वल टू 15। सो AD इज 15, देन BC इज ऑल्सो 15 एंड AB इज इक्वल 25। तो देखिए, ये है AB विच इज 25। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है ABCD। तो फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का एक फॉर्मूला है जो होता है हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगा फॉर्मूले में आपका हाफ, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन दैट इज इंटू, फिर आपको करना है सम किसका, पैरेलल साइड्स का। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज DC प्लस AB, इसका आप करेंगे सम इंटू, फिर करेंगे आप हाइट। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए मतलब ट्रेपेजियम के लिए हाइट भी जरूरी है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हाइट को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हाइट को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने हाइट ड्रॉ कर लिया है DM और CN। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या था फॉर्मूला, वो था हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स है एक DC, उसके बाद AB इंटू हाइट। तो आप हाइट को मतलब DM ले सकते हैं या फिर CN ले सकते हैं। इसका मतलब आपको देखिए कौन कौन से साइड्स की लेंथ फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD को निकालने के लिए। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा DC, ठीक है, आपको फाइंड करना पड़ेगा AB जो ऑलरेडी आपको दिया है विच इज़ 25। उसके बाद आपको ज़रूरत है या तो हाइट DM की या तो CN की। तो फ्रेंड्स मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए DM और आपको क्या निकालना पड़ेगा DC। तो देखते हैं आप कैसे निकालेंगे DM। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे DM से कि देखिए एग्जैक्टली DM कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे DM ट्राइंगल DAB के लिए, ठीक, या फिर आप बोल सकते हैं CN ट्राइंगल CAB के लिए क्या रहेंगी हाइट। तो आप बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, DM को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप DM या फिर CN किसी एक को भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइंड कर रहे हैं DM को, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा DAB, उसमें आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ करके, देखिए बेस तो आपको पता है बट अब फिलहाल यहाँ पे आपको एरिया पता नहीं है किसका, ट्राइंगल DAB का। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया DAB का, तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला यूज़ करके इस हाइट को फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हम फाइंड कैसे करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB। तो अगेन देखिए फ्रेंड्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जिसकी हेल्प से आप डेफिनेटली यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, DB या BD को फाइंड करना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल DAB में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा आपको BD, और एक बार अगर BD आपको मिल गया तो डेफिनेटली आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल DAB से और यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी, क्या है देखिए यहाँ पे, एंगल विच एंगल BDA, एंगल BDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कैसे आया, ये गिवन है, आपको क्या गिवन था, देखिए ये परपेंडिकुलर BD है किसे, AD को, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या एंगल 90 का। सो देयरफोर आप यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम ट्राइंगल BDA में, तो देखिए ये है राइट एंगल, तो इस राइट एंगल की जो अपोजिट साइड रहेंगी वो रहेंगी हाइपोटेन्यूस, मतलब AB देखिए इस ट्राइंगल की रहेंगी हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आएगा
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस कौन रहेगा बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको ए बी पता है विच इज़ 25 दिया है आपको, उसके बाद ए डी भी आपको पता है देखिए 15, तो यहाँ आएगा 15 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा बी डी स्क्वायर, और ये वैल्यूज देखिए आपको यहाँ पे गिवन में है। अब 25 का स्क्वायर ये कितना होगा, ये होगा 625 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर ये कितना होगा 225 प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे 225 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये 225 हो जाएगा माइनस, तो 625 माइनस 225 ये कितना रहेगा, ये रहेगा 400। तो फ्रेंड्स थोड़ा डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करने के बाद देखिए यहाँ पे 400 किसका स्क्वायर है, तो वो है 20 का, तो बी डी आपको मिल जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जैसे आपको बी डी मिला है 20, वैसे आप ए सी भी फाइंड कर सकते हैं, किसी एक को आपको फाइंड करना है, या तो आप बी डी फाइंड कीजिए या तो ए सी। ए सी भी आपको कितना मिलेगा 20 ही मिलेगा, और क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे यह है 15 और यह है 25, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 15 ये 25, तो ऑब्वियसली आपको ए सी भी कितना मिलेगा 20 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, सो देयरफॉर आपको मिल चुका है बी डी इज इक्वल टू 20, सो देयरफॉर वी कैन से दैट सिमिलरली BD is equal to AC is equal to 20। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम इस BD की हेल्प से, आप क्या करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे इस BD की हेल्प से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगेन यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप देखिए इस BD को ले सकते हैं हाइट और इस AD को आप ले सकते हैं बेस, तो इसकी हेल्प से किसकी मतलब BD की हेल्प से आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा DAB इज इक्वल टू विच इज राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हाफ बेस आप AD को ले सकते हैं या फिर BD को, तो हम लेंगे AD को बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच वन इज हाइट बी डी विल बी हाइट, बी डी इज हाइट, देखिए यह है ट्राइंगल बी डी ए या फिर आप बोल सकते हैं डी ए बी, ये ऐसा, और ठीक है यह है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस बार हम हाइट किसके ले रहे हैं बी डी को ले रहे हैं, और बेस कौन रहेंगी यहाँ पे ए डी। ठीक है, यह है वो ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे आप, हाफ इंटू वैल्यू ऑफ ए डी ये कितना है 15, और वैल्यू ऑफ बी डी देखिए आपने जस्ट फाइंड किया है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 10, सो 15 इंटू 10 दिस विल बी 150 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी, इससे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो रीज़न है वो क्या रहेगा, ये ए डी की 15 वैल्यू कहाँ से आई, ये आपका गिवन में था, और ये कहाँ से आया एंड ये आया फ्रॉम 1। ठीक है, तो इस तरह आप रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड देखिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी ये मिल चुका है। ठीक है, तो अगेन इसी फॉर्मूले से मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से देखिए आप अभी फाइंड कर सकते हैं डी एम को विच इज़ द हाइट फॉर ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा हाइट और इसे लेना पड़ेगा बेस, लेंगे आप सेम ट्राइंगल, बट इसके पहले आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किए। ठीक, अब अगेन इसी ट्राइंगल को यूज़ करके आप फाइंड करेंगे इस हाइट को डी एम को, तो अब अगेन एक बार आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल डी ए बी, बट इस बार हाइट अलग रहेंगी और बेस रहेंगी अलग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी इज इक्वल टू रहेगा हाफ इंटू, इस बार आपकी बेस कौन रहेंगी ए बी, और इस बार जो हाइट आप लेंगे वो कौन सी लेंगे, वो लेंगे डी एम, ए बी इंटू फिर रहेगा डी एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी आपको दिया है 25, डी एम ये कितना है, सॉरी डी एम आपको निकालना है, डी एम आपको फाइंड करना है, और ये एरिया कितना है, ये है 150। ठीक है, यहाँ पे भी आप रीज़न लिख सकते हैं, ये आएगा कहाँ से गिवन एंड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम टू। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप, तो क्या करेंगे आप डी एम फाइंड करना है, तो इन दो वैल्यूज़ को आप लेके जाएंगे कहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 150
इंटू टू डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू डीएम। ये डिवीजन में है 2, ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये 25 मल्टीप्लिकेशन में, ये जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ पे देखिए इसे कैंसिल कर सकते हैं 6 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आएगा डीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 6 दैट इज 12। सो देयरफॉर डीएम इज इक्वल टू 12। सो सिमिलरली क्या, अगर डीएम अगर 12 है तो देखिए सीएनबी क्या रहेगा 12, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं बिकॉज इट्स अ ट्रेपेजियम, और ये पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो डीएम और सीएन दोनों इक्वल रहेंगे। सो देयरफॉर सिमिलरली वी कैन से डीएम इज इक्वल टू सीएन इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसका रीजन लिख सकते हैं, क्या है इसका रीजन, द डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा। ठीक, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल चुका है, हाइट मिल चुकी है। अब आपको बस एक साइड की ज़रूरत है, और वो कौन सी है, डीसी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपका है सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो ए बी तो है बट डीसी भी फाइंड करना पड़ेगा। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब इस क्वाड्रिलेटरल डी सी एन एम या फिर डी एम एन सी में यहाँ पे ये दो हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है, और देखिए ये दो एक सेम साइड को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो देखिए अब हम लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलैटरल लेंगे आप डी एम एन सी। देखिए कहाँ पे क्वाड्रिलैटरल डी एम एन सी, देखिए ये है डी एम एन सी, तो यहाँ पे डी सी और एम एन तो पैरेलल रहेंगे, क्योंकि आपको एक गिवन में ये दैट डी सी इज पैरेलल टू ए बी, तो मतलब डी सी पैरेलल रहेगा एम एन को। साथ में डी एम ये क्या है, परपेंडिकुलर ए बी को, और वैसे सी एन परपेंडिकुलर है ए बी को, तो दोनों सेगमेंट देखिए एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों एक में को क्या रहेंगे, पैरेलल। तो हम लिखेंगे अब देयरफॉर इन दिस क्वाड्रिलैटरल क्या रहेगा, सेगमेंट डी सी इज पैरेलल टू सेगमेंट एम एन। ठीक है, एंड सेगमेंट डी एम इज पैरेलल, किसे पैरेलल रहेगा, ये सेगमेंट सी एन। ठीक है, तो ये देखिए ये तो आपको गिवन में था, और इसका रीजन क्या है, परपेंडिकुलर्स टू द सेम लाइन। ठीक है, और देयरफॉर अब देखिए इस क्वाड्रिलैटरल में डी सी पैरेलल है एम एन को, डी एम पैरेलल है सी एन को। तो देखिए एक बार डायग्राम में कहाँ पे है, डी सी पैरेलल है एम एन को, और डी एम पैरेलल है कहाँ पे, सी एन को, मतलब ये क्वाड्रिलैटरल कौन सा हो जाएगा, पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल डी एम एन सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे, इसके इक्वल रहेंगे। तो देयरफॉर इसका मतलब ये होगा डी सी इज इक्वल टू ये रहेगा एम एन। ठीक है, इसके आपको ज़रूरत है इसलिए हम यहाँ पे जस्ट फाइंड करके रख लिए इसे, और ये इक्वेशन नंबर रहेंगे 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डी सी और एम एन तो हो गए इक्वल, बट फिलहाल अभी तक आपको डी सी यहाँ पे मिला नहीं है। तो देखिए ये आपको फाइंड करना है डी सी आपको फाइंड करना है, और डी सी किसे इक्वल है, एम एन, बट आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डी सी चाहिए। तो डी सी कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले देखिए आपको निकालना पड़ेगा एम एन। ठीक है, अब एम एन कैसे फाइंड करेंगे आप, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा ए एम। इन दिस ट्राइंगल आप यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा ट्राइंगल, डी एम एम में, सॉरी डी एम ए में। तो आप देखिए लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप, डी एम ए एंगल डी एम ए इज इक्वल टू 90। हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम ए एम को फाइंड करने वाले हैं। ए एम अगर मिला तो आपको एम एन भी मिल जाएगा, और अगर एम एन मिला तो एम एन किसे इक्वल है, डी सी को। ठीक है, तो इसलिए हम पहले फाइंड कर रहे हैं ए एम, किस ट्राइंगल के लिए, डी एम ए की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो कौन रहेंगे हाइपोटेनियस? देखिए इस ट्रायंगल में रहेंगे ए डी या फिर डी ए, तो आप लिखेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आएगा 15 स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम आपने फाइंड किया था 12, तो यह आएगा 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डी एम आपने फाइंड किया है 12, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 15 स्क्वायर इज 225 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस ए एम स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 225 इस 144 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो 225 माइनस 144 यह आएगा 81, सो देयरफॉर ए एम स्क्वायर हो जाएगा 81। आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, सो ए एम इज 9, ठीक। तो ये आ गया आपका ए एम, और ए एम 9 है, सो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू बी एन, या फिर आप लिख सकते हैं एन बी इज इक्वल टू 9, ठीक। और यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू 9 ये हो चुका है, यहाँ पे आपने कैसे लिया है, ये है टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है फ्रेंड। देखिए आपको एन बी यहाँ पे मिल चुका है, कैसे, जैसे आपने इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, डी ए एम या डी एम ए, डी एम ए में आपने यूज़ किया था पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये 15 है ये 12 है, तो वैसे इस ट्रायंगल में भी देखिए ये 15 और ये हाइट कितनी है 12, तो आपको एन बी भी कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे ए एम आपको 9 मिला, वैसे एन बी भी आपको 9 मिलेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, चलो ऐसे लिखते हैं हम, देयरफॉर सिमिलरली, सिमिलरली क्या ए एम इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब दे देंगे इसे हम इक्वेशन नंबर कौन से, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए आपको ए एम मिल चुका है एन बी, तो अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे दिस एम एन को, तो ये एम एन कैसे निकलेगा, देखिए एम एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आएगा नाउ ए बी इज इक्वल टू, ये आएगा ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी। देखिए यहाँ पे आप क्या फाइंड कर रहे हैं, ए बी, और ए बी मतलब ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी। तो अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो ए बी देखिए आपको दिया है 25, तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू ए एम, और एन बी देखिए 9 फाइंड किए, सो 9 प्लस एम एन प्लस 9, ठीक है। तो ये 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, तो फिर इस 18 को लाएंगे आप लेफ्ट साइड में, तो 25 माइनस 18 ये कितना हो जाएगा 7, तो थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे देखिए आप, तो यहाँ पे एम एन इज इक्वल डायरेक्ट हम लिख रहे हैं वैल्यू इसकी कितनी 7। तो फाइनली देखिए आपको एम एन मिल चुका है 7, और अगर एम एन 7 है तो देखिए यहाँ पे जो डी सी है वो भी क्या रहेगा 7, ठीक। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू ये आएगा 7, और इसका रीज़न आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, क्योंकि देखिए आपने इक्वेशन 5 में बताए थे कि डी सी और एम एन दोनों सेम है, तो इसलिए अगर एम एन सेम है, सॉरी अगर एम एन 7 है तो डी सी भी क्या रहेगा 7, ठीक है। अब देखिए आपको डी सी मिल चुका है, आपको हाइट मिल चुकी है, आपको ए बी दिया है, अब हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, और क्या रहेगा फॉर्मूला, वो रहेगा हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो कौन से पैरेलल साइड्स, एक है डी सी, एक है ए बी, फिर बाद में करेंगे आप इंटू हाइट, तो हाइट आप ले सकते हैं डी एम या फिर सी एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक है ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, तो आप लेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डी एम, हमने लिया यहाँ पे डी एम, तो फिर अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आएगा हाफ इंटू ए बी आपने कितना दिया आपको, देखिए आपको दिया है 25 प्लस डी सी देखिए जस्ट फाइंड किया आपने 7, और हाइट डी एम ये कितना है, हाइट डी एम इज़ 12, तो यहाँ पे आ गया 12। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ इंटू 25 एंड 7, ये हो जाएगा 32 इंटू 12। अब यहाँ पे इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 16, ठीक है। अब फाइंड करेंगे आप 16 इंटू 12, तो कितना आएगा 16 इंटू 12, ये आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 16 इंटू 12, कितना आएगा, ये आएगा 192 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है फ्रेंड। देखिए इस तरफ फाइनली आपको यहाँ पे मिल चुका है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी विच इज़ अ ट्रेपेजियम, तो फाइनली आप अब लिख लेंगे आंसर, तो क्या रहेगा आंसर, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज
192 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ इस तरह इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। डेफिनेटली थोड़ा लेंथी है बट इजी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तब तक आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।